देखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया और कहा था कि खत्म हुआ, सारे काम खत्म हुआ। और विश्वास का पहला हल है क्रूस के ऊपर अपने नजर डालना। यदि आप क्रूस नहीं जानते हो कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, आप फिर भी अविश्वासी जीवन जियोगे। मैं बताता हूँ आपको कि हम कैसे अविश्वासी जीवन जियोगे। आगे देखो, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। पहले चीज क्या है, सब लोग बोलो, पहले चीज क्या है? क्रूस। पहले चीज क्या है, सब लोग बोलो, क्रूस। क्रूस। अविश्वास का दूसरा हल क्या है? विश्वास है ना। अविश्वास का दूसरा हल क्या है? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं ताकि जो कोई विश्वास करेगा उस पर वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का मतलब क्या है? कोई कह सकता है मुझे अनंत जीवन का मतलब क्या है? लंबा जीवन नहीं, लंबा जीवन वो अलग है, स्वर्ग में लंबा जीवन, मरने के बाद हम अनंत जीवन पाएंगे, ये वो अलग है। अनंत जीवन क्या है? बहुतायत का जीवन। चोर आया चोरी करने, क्या बोलो? इतने बार गाना सुना आपने मीनाक्षी, बोलो। चोर आया चोरी करने, रुको, बोलो। चोर आया चोरी करने, योहान 10:10, चोर आया चोरी करने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, पर मैं आया हूं जीवन देने। बहुतायत का जीवन का मतलब क्या है पता है आपको? पता है कि नहीं पता है? बीमारी में रहना बहुतायत का जीवन है? चिल्लाओ जोर से, हाँ। गरीबी में रहना बहुतायत का जीवन है? सरदर्द में रहना बहुतायत का जीवन है? पीठ दर्द में रहना बहुतायत का है? गुस्से में रहना बहुतायत का है? निराश रहना बहुतायत का जीवन है? डर में रहना बहुतायत का जीवन है? आदमियों से डरना बहुतायत का जीवन है? लोगों से डरना बहुतायत का जीवन है? समस्या से डरना बहुतायत का जीवन है? शैतान से डरना बहुतायत का जीवन है? चूहों से डरना बहुतायत का जीवन है? तो आपका पास जो जीवन है वो बहुतायत का जीवन है। ना कोई डर, ना कोई निराशी, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई वरी। तो क्यों ऐसे रहते हैं जैसे कि दुनिया के लोग रहते हैं यार? एक बार एक आदमी ना इंडिया से, जब वो छोटा था, इंडिया से चला गया फॉरेन कंट्री में, मेरा दोस्त फॉरेन में रहने लगा, भार गांव मतलब यार विदेश, भार गांव नहीं, सिर्फ गांव के बाहर नहीं, विदेश में रहने लगा वो। हाँ, और जब आया वापस, एक हफ्ता लगा उसको वापस रहने के लिए। जब आया वापस वो हिंदी वगैरह वो छोड़ो, उसका एक्सेंट पूरा बदल गया, फिरंगी बन गया वो, फिरंगी भाषा बात करने लगा। हे हाय, हाउ आर यू, मतलब एक हफ्ते तुम गए फॉरेन में, पूरा चाल चलन पूरा बदल गया। अब भूल गए कि आप इंडियन हो, भूल गए कि आपको कैसे बातें करना है, हिंदी अंग्रेजी भूल गए आप इतने जल्दी। क्यों? क्योंकि उनको वो स्टाइल क्या बोलते हैं, उनको वो व्यवहार अच्छा लगा वहां का। वैसे ही हम हो गए, हमारा जीवन जो है बहुतायत का जीवन है, पर चूजों के बीच में रह रहे के हम गीदड़ चूजों के जैसे बेहेव कर रहे हैं, या बिहेविंग लाइक, जिनके पंख होते हैं पर उड़ते नहीं है, और हमारे पास पंख होते हुए भी हम उड़ते नहीं है। मुर्गी, पता है मुर्गी पंख होते हैं ना, कितना उड़ेंगे? दिखावे के पंख है, और हमारे पास विश्वास है पर दिखावा का विश्वास है। क्यों? हम उड़ते तो नहीं, सिर्फ विश्वास लेके अरे आठा हिलाते रहते अपने पंखों पर, उड़ते नहीं है। गीदड़ है हम, गीदड़ चील ना, चील है हम, पर चूजों के जैसे हम उनके बीच में रह रहे के चूजे के जैसे बन गए हम।
डर लगता है उड़ने के लिए, हमारे मुंडी से नीचे रहता है और जमीन के चीजें खाते हैं हम, धरती के चीजें खाते हैं, आसमानी बातें तो हम भूल गए। क्यों? विश्वास नहीं कि हमारे पास क्या है, हम जाते हैं। पहली चीज क्या है अविश्वास का हल? क्रूस। अविश्वास का हल क्या है? क्रूस। दूसरा? विश्वास। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। बस 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 बस, सब लोग पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसमें मैं क्या सिखाऊं? पहले, सबसे पहले यीशु मसीह निकोडेमस को कह रहे कि निकोडेमस, पहले चीज ये है कि मनुष्य का पुत्र चढ़ाया जाएगा और क्रूस पे मरेगा, वो तेरा पहला मार्ग है कि ईश्वर के राज्य में आए। दूसरा चीज, आपको उसके क्रूस के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उसके मौत के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, जो वो मरने वाले हैं उसके द्वारा ही आप अनंत जीवन पा सकते हो। और ये दर्शाता है तीसरी बात को, क्या है वो? क्योंकि परमेश्वर ने यहूदियों से ऐसा क्रोध किया, यहूदी के ऊपर ऐसा क्रोध किया, करेक्ट? हाँ, क्रोध किया ना, प्रेम किया क्या फिर? नहीं नहीं, प्रेम किया ही है यार, नहीं ना? ये आपको पता है, जो वचन पूरे दुनिया को शांत कराता है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है, निकोडेमस को पूरा हिला दिया ये वचन ने। क्यों? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उन अन्य जातियों से भी प्रेम किया, मुझे तो लगा सिर्फ इसराइलियों से प्रेम किया, क्योंकि हम चुने हुए कौम है, साइलेंस, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा इब्राहिम को कि तुम्हारे ही बीज में, इन योर सीड, तुम्हारे ही बीज में मैं देखूंगा कि मैं आशीषित करूंगा तुम्हारे लोगों को, जो तुम्हारे वंश, तुम्हारे वंशों को आशीष करूंगा। तो निकोडेमस कह रहा है, मुझे तो लगा कि परमेश्वर सिर्फ यहूदी लोगों से प्यार करता है। यीशु मसीह ने कहा कि एक चीज करेक्ट कर रहा हो, एक चीज सही कर रहा हो जो तुम्हारा गलत है। परमेश्वर केवल क्रिश्चियन से प्यार नहीं करता है, परमेश्वर केवल यहूदियों से प्यार नहीं करता है, परमेश्वर केवल अपने पुत्रों से प्यार नहीं करता, परमेश्वर पूरे संसार से प्यार करता है। और उसने अपना प्यार ऐसा दिखाया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। अपना प्यार, हम लोग कहते हैं ना एक दूसरे से हम प्यार करते प्यार करते, पर सिर्फ मुंह से। बाइबल में लिखा है आपका जो प्यार है वो केवल शब्दों में नहीं रहे पर परंतु कार्य में भी रहे। लेट योर लव बी नॉट इन वर्ड बट इन डीड ऑल्सो, कार्य में रहे। अगर आप कहते हैं कि आप प्यार करते हो कार्य में नहीं दिखाते हो, तो आपका प्यार व्यर्थ है, कुछ फायदे का नहीं है। आपका प्यार केवल मुंह पे नहीं रहना चाहिए, कार्य में भी रहना चाहिए। आप आपके प्यार कैसे दिखाते हो आपके बच्चों के लिए? आप उनका ख्याल रखते हो, तो आप कह सकते हो बच्चे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्यों? क्यों? आप उनका ख्याल रखते हो, समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने प्रेम किया। पुराने नियम में किसने देखा परमेश्वर का प्रेम? हाथ ऊपर उठाओ। पुराने नियम में जब निकोडेमस और यीशु मसीह बैठे थे, नया नियम नहीं बना था, सिर्फ पुराना नियम था, पुराने नियम में परमेश्वर का प्रेम कहां दिखा? किसी ने पाप किया, पत्थर लो, मारो, खत्म, है ना? पुराने नियम किसी ने पढ़ा कि इसमें नहीं हो? Yes. पुराने नियम में परमेश्वर का, तो आप एक बात बोलो, मुस्लिम भाई जो है ना, मुस्लिम भाई लोग सॉरी मुस्लिम के बीच में ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं है कि वो अल्लाह से प्यार कर सकते हैं। आपको पता है वो कभी नहीं कहते कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, वो सिर्फ कहते हैं हम अल्लाह के आज्ञा पालन करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं बस, क्योंकि वो अल्लाह को परमेश्वर के रूप में देखते हैं और अपने आप को दासों के रूप में देखते हैं, सर्वेंट्स, पुत्र नहीं, दासों के रूप में देखते हैं।
तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करना ये उनके समझ से बाहर है कि वो परमेश्वर, वो उनसे हम प्रेम कैसे करते हैं, हम तो केवल दास है। तो यीशु मसीह यहां पर कह रहे कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ये अविश्वास का हल है। कल ओवरनाइट प्रेयर में, कल पूरा रात पर प्रार्थना हुआ ना, तो क्या सीखा हमने? विश्वास के बारे में सीखा हमने। और विश्वास के बारे में किस चीज में? ईश्वर के प्रेम। बताओ विश्वास किस चीज में? उन्होंने प्रीचिंग किया कल, जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, तब हमारा विश्वास और बढ़ता है। और बढ़ता है कि नहीं? ताकि जो कोई, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि सिर्फ यहूदी नहीं, निकोडिमस फिर से शौक हो रहे, मुझे लगा फैरिसियों के पास ही वो है, अपने रिलीजन में ये है ना शायद से, क्या पता सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, तो हिंदू ब्राह्मण, ब्राह्मण टॉप नॉच रहते हैं ना, ब्राह्मण टॉप नॉच ऊपर के रहते हैं ना, एकदम होली, फिर उनके बाद सब नीचे वाले आ जाते हैं। हाँ, तो मुझे लगा कि हम तो ब्राह्मण लोग हैं, हम तो फरीसी है, हमारे पास ही पूरा ये अधिकार है कि परमेश्वर के चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, हम तो सबसे ऊपर है। और यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे ऊपर क्या हो, परमेश्वर ने सबसे गंदे आदमी से भी उतना ही प्यार किया जितना आपसे प्यार करते हैं, कि जो कोई गंदे से गंदे आदमी भी आए या पवित्र से पवित्र आदमी भी आए अपने नजरों में, परमेश्वर उनको स्वीकारता है, अनंत जीवन उनको मिलेगा। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन आएगा। इतना सिंपल, परमेश्वर के प्रेम पे विश्वास करो। आपको पता है आप आपके पिताजी के पास या मम्मी के पास कब जाओगे कुछ मांगने के लिए? किसी और के मम्मी और पिता के पास जाओगे या आप खुद के मम्मी पिता के पास जाओगे? बोलो बोलो, खुद के ना, या बाजू वाले के मम्मी पापा के पास बोलोगे जाके मुझे पैसा दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपके खुद के माता पिता के ऊपर आपको पूरा विश्वास है कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप जो कुछ मांगोगे वो देंगे आपको। उनके प्यार के ऊपर आपको विश्वास है, इसलिए कहते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, वो क्यों कर आपको सब कुछ क्यों नहीं देगा? उसके प्रेम पे विश्वास करो, उसके प्रेम पे विश्वास करो कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सोचो जरा, अगर आपके बच्चों को फास्टिंग और प्रेयर, फास्टिंग उपवास करके आपके पास आना पड़े, प्लीज प्लीज मुझे 10 रुपये दो, 3 दिन से मैं फास्टिंग करूँ, प्लीज मुझे 10 रुपये दो, प्लीज मुझे, आप बोलोगे 3 दिन से खाना नहीं खाए, सिर्फ 10 रुपये, अरे लो 20 रुपये लो, 100 रुपये लो। आपके बच्चे अगर ऐसे आएंगे आपके पास और हम ऐसे बैठे हैं तो हम बोलेंगे कैसा माता पिता है ये, सिर्फ ना बकवास, बच्चे को ऐसा गिड़गिड़ाकर रोना पड़ता है सिर्फ 10 रुपये के लिए, और हम परमेश्वर के पास ऐसे जाते हैं फास्टिंग में, 3 दिन फास्टिंग, 40 दिन फास्टिंग, परमेश्वर दो परमेश्वर, अरे परमेश्वर दे रहा है कि मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने यीशु मसीह को दे दिया, मांगो तो ऑलरेडी दे दिया सब कुछ, गिनती डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, इसलिए हम गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते, प्लीज परमेश्वर इस सर दर्द को निकालो, प्लीज परमेश्वर पीठ दर्द को निकालो, प्लीज दया कर परमेश्वर हम पर मेहरबान हो, दया प्रभु जी दया, क्या का दया यार, परमेश्वर से भी क्यों मांग रहे, कौन है परमेश्वर, आपके पिता है, यदि आपके धरती के माता पिता आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वो सब कुछ देते हैं, आप सिर्फ हक से मांगते हो, मामा 10 रुपये दो, 100 रुपये दो, है ना, तो स्वर्गीय पिता के पास हम ऐसे क्यों जाते हैं भीख मांगते, पापा के पास कैसे जाते हैं, हमारे माता पिता के पास कैसे जाते हैं, हाँ कोई माता पिता के पास ऐसे जाते हैं मामा प्लीज प्लीज मामा प्लीज, और स्वर्गीय पिता के पास जब हम बात करने के लिए जाते हैं कैसे जाते हैं, हे अब्बा पिता हम चाहते हैं, क्या यार आपके माता पिता को ये थप्पड़ मारे, क्या है ये, क्या नौटंकी है,
और परमेश्वर के सामने ये नौटंकी होता है। परमेश्वर से अगर आपको बातें करना है ना, सीधे तरह से बातें करो, ये सब निकाल दो। यदि आप ऐसे करते हो ना परमेश्वर के सामने, मैं आपसे कुछ बहुत गहरी बातें कर रहा हूँ, जान लो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। यदि आप ऐसे जाते हो परमेश्वर के सामने ना, तो ये दर्शाता है कि आपको पता नहीं है कि आपका परमेश्वर कितना प्रेम करता है आपसे, इसलिए आपको ऐसा भीख मांगना पड़ रहा है। और यदि आप जाओ, अब्बा कैसे हो, हम आए आपके दर पे, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पूरे अधिकार के साथ उसके सानिध्य में आओ, क्योंकि जब आपको गरज है तभी आपको दया होता है, आपके ऊपर कृपा होता है। जस्ट आ जाओ, अधिकार के साथ आ जाओ, एकदम चल के एकदम सीना डाल। अब्बा आज ये चाहे आज वो चाहे, अरे ठीक है चलो हो गया, चलो जाओ। अब्बा सर दर्द है, क्या कौन सा पिता परमेश्वर, सीरियसली ऐसा पिता परमेश्वर किसी को नहीं चाहिए। देखो नियम का तरीका, ये निकोडिमस का तरीका था, दुआ से देखो आज्ञा पालन से वो संत बन जाता है। एक साधारण आदमी आज्ञा पालकर वो संत बन जाता है। कितने आज्ञा है पुराने नियम में, कितना लगा है? दस आज्ञा, छह सौ तेरह आज्ञाओं का पालन उनको करना पड़ता था। एक छोटा भी आज्ञा पालन उन्होंने तोड़ा तो पूरा का पूरा टूट गया। ये जेम्स मैंने कहना है, एक भी उन्होंने तोड़ा, शायद से उन्होंने गुस्सा भी किया है, खलास सारे टूट गए, वापस से बकरी लो और काटो, है ना आज्ञा पालन। आज्ञा जब तोड़ते थे वापस से बकरी लो काटो, फिर वापस से घर जाओ, वापस बीवी ने कुछ गुस्सा दिलाया, वापस चिल्लाओ बीवी के ऊपर, तुम्हें समझ में आया था, वापस से आज्ञा पालन तोड़ दिया आज्ञा को, वापस से जाओ बकरी लो और काट दो, है ना। क्योंकि क्षमा वैसे वही मांगते थे ना उस जमाने में, क्षमा वैसे मांगते थे ना, बकरी को लेते थे, बकरी नहीं मेमना को लेते थे और फिर हलाल करते थे, वापस काटते थे, है ना, अर्पण करते थे वेदी के ऊपर। सोचो जरा, गुस्सा नहीं करना, किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं, इतने आज्ञा पालन कौन करेगा। अपने नेबर, अपने नेबर पड़ोसी के पास अगर कुछ अच्छी चीज है तो वो चीज चाहना, लालच करना, वो भी बुरी बात है। अभी सोचो अच्छा सारी है, अरे लो मेमना लो जाओ। सोचो जरा, कौन ऐसे भला जिंदगी जी सकता है, कोई जी सकता है। सबक के दिन कुछ मत करो, उठो भी मत चेयर से, उड़ गया तो काम हो गया, तो ऐसे ही बैठो क्या करोगे, कुछ किताब भी खोला तो वो काम हो गया, तो ऐसे ही बैठो। प्रेशर आया तो क्या पता जाएगा। फिर उसके बाद जाकर वापस से मेमना लो, वापस से मेमना करो। पर नियम का तरीका ये था, 613 आज्ञाओं का पालन करके आप संत बन सकते हो। कोई संत नहीं बना था, अगर एक बंदा भी संत बना था तो यीशु मसीह का आना कैंसिल, प्लान कैंसिल, है ना। अनुग्रह का तरीका क्या है, अनुग्रह का तरीका क्या है पता है आपको, आप कैसे संत बन सकते हो पता है, और वो भी किस चीज के ऊपर, बस कौन सा डील बेटर है, कौन सा डील बेटर है, वो मेमना ले लेके जाना वो बेटर था या ये बेटर है, परमेश्वर के प्रेम पे विश्वास करना, बस जीवन सरल हो गया आपका। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो, आपको पता है निटिंग कौन करता है, ये सिलाते कौन है, वो बड़ा सा स्वेटर कौन बनाते हैं घर पे, औरत बनाते हैं ना स्वेटर, आप बनाते हो हाँ, जब वो पूरा निकल जाता है, पूरा ये हो जाता है ना, पूरा धागा एकदम ये हो जाता है, पूरा टाइम कितना टाइम लगता है उसको सरल करने में, बहुत टाइम लगता है ना, निकालने में बहुत सरल रहता है, उसको गुनने में समय, अच्छा गुनने में समय जाता है हाँ। तो इतना कॉम्प्लिकेट हम करते हैं हमारे जिंदगी को, इतना पूरा एकदम मेस करके रख देते हैं,
बिल्ली आती है ना, बिल्ली खेलती है ना उसके साथ, पर इतना सरल है। अरे यार हम चौंक जाते हैं ऐसी चीजों को देखकर, नहीं समझ में आता है क्यों कर हो सकती है ये बातें। निकोडिमस के जैसे हमारे मन में यह विश्वास है। आगे देखो हिंदी में, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है लेकिन आपके विश्वास को देखता है। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर आपके हृदय को जानता है पर आपके विश्वास को नहीं जानता है। मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, परमेश्वर मेरे दिल को जानते हैं। परमेश्वर अंदर की बातें देखते हैं, बाहर की नहीं देखते। किसने कहा? जब वो अपाहिज बंदे को लेकर आ रहे थे, यीशु मसीह वहां पर प्रचार कर रहे थे घर के अंदर, वो अपाहिज बंदे को ऊपर लेकर गए थे, टेरेस से नीचे ला रहे थे, तभी यीशु मसीह ने उनके विश्वास को क्या किया? क्या किया उनके विश्वास को? देखा। मतलब विश्वास दिख सकता है। विश्वास परमेश्वर को आपके विश्वास में कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक आपका विश्वास दिखता नहीं है। यदि आप कहते हो कि आपको परमेश्वर पे विश्वास है, शैतान भी कहता है कि उसको परमेश्वर पे विश्वास है, पर आप में फर्क क्या है? आपके विश्वास में कार्य है, शैतान के विश्वास में कार्य नहीं है। वो कार्य अपने विश्वास के विरुद्ध जाता है। हम विश्वास के अनुसार जीते हमारा कार्य होता है। आमेन। बाइबल में लिखा है ना, यदि तुम कहो अपने भाई से जब वो ठंडी में है, हे भाई गर्म हो जा, गर्म हो गया वो, वस्त्र दो ना उन्हें, कुछ स्वेटर वेटर दो तो उसका भला होगा, भूखा बैठा है बंदा, वो बोलेगा हे भाई तेरा पेट भर जाए, विश्वास का भोजन खा लो। अरे बोल, विश्वास का भोजन ये क्या है? ये लो प्लेट, लो खाली प्लेट लेकर आते हो उसके सामने, विश्वास से खाओ पेट भर जाएगा। कैसा करता है? नहीं ना, उसको खिलाओ, कार्य दिखने चाहिए। आपके विश्वास को कार्य दिखने चाहिए। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, हर एक बंदे के पास कार्य था अपने विश्वास को दर्शाने के लिए। वो रक्त स्त्री लहू बहने वाली औरत जो थी, उसका विश्वास कैसे दिखा? वो भीड़ में जाके उसने यीशु मसीह को छुआ, उसमें उसका विश्वास दिखा। वो अंधा आदमी, उसका विश्वास कैसा दिखा? यीशु मसीह ने क्या कहा? जाके धो लो अपने आंखें। अरे भाई मैं अंधा हूं, आपको समझ में नहीं आता है? मैं कैसे जाके अपने आंखें धो लूं? बंदा चला गया धोने के लिए, बंदा चला गया धोने के लिए। यीशु मसीह विश्वास के कार्य को देखते हैं, क्योंकि विश्वास कार्य के बिना मुर्दा है, मतलब अविश्वास है। समझ में आया? हाथ हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। दूसरा हाथ, तीसरा हाथ। तीसरा हाथ किसके पास है? पढ़ो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। पहला चीज क्या था? क्रूस। क्रूस। दूसरा चीज क्या था? विश्वास। विश्वास। तीसरा चीज क्या था? प्रेम। परमेश्वर के प्रेम। चौथा चीज क्या है पता है आपको? यहूदी लोग, ये फरीसी लोग जो थे, सब लोगों को दोषी ठहराते थे, बोलते थे तुम आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम हमसे दूर रहो, तुम हमको छुओ मत, तुम हमको टच मत करो, सबको दोषी ठहराते थे। यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा ताकि वो दोषी ना ठहराए लोगों को। जब वो औरत जो व्यभिचार में पकड़ी गई हुई थी, जब वो यीशु मसीह के पास लाए गए, तो फरीसियों ने क्या कहा कि ये औरत को हमने व्यभिचार में पकड़ लिया, तो क्या करें? क्योंकि नियम के अनुसार हमें उसे पत्थर मारना चाहिए। सब लोग सुन रहे कि नहीं? नियम के अनुसार हमें उसे पत्थर मारना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि किसी ने पाप नहीं किया तो पहला पत्थर उठाए और पत्थरा दो। पहले पत्थर उठाए, पत्थरा दो। यीशु मसीह फिर से झुके और लिखने लगे। जब यीशु मसीह उठे, देखे कि कोई भी नहीं है, वहां पे यीशु मसीह ने उस औरत से क्या कहा? हे स्त्री, कहा गए तेरे दोषी तैराने वाले लोग।
कहा गए तुझे दंडित करने वाले लोग, मतलब तुझे तो तेरे ऊपर तेरे ऊपर दोष लगाने वाले कहा गए तेरे? और उसने कहा कोई नहीं। यीशु मसीह ने कहा जा, मैं भी दोष नहीं है, जा पाप मत कर वापस। दंड के लिए नहीं आया परमेश्वर के पुत्र, दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, बल्कि अनुग्रह देने के लिए आए। जकैस को क्या कहा? हे जकै नीचे आ, सब पूरा सब कुछ वापस लौटा दे, फिर मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। पहले अनुग्रह दिखाया, उसके बाद उसका जीवन परिवर्तित हो गया। यीशु मसीह अलग रीति से आया। हम पहले लोगों को दोषी ठहराते, बोलते कि तुम पापी हो, पीछे के सारे लोगों को आगे बिठाना पड़ेगा अगर बात करेंगे तो। अच्छा, तो लोगों को पहले दंडित कहते हैं, पहले लोगों को कहते तुम पापी हो, तुम्हें यीशु मसीह चाहिए। लोगों के ऊपर पहले परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह दिखाओ, फिर वो लोग आएंगे और बोलेंगे कि हमें तुम्हारा यीशु मसीह चाहिए, हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। प्यार से उनका जीवन बदलता है। द गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स टू रिपेंटेंस, परमेश्वर के भलाई से आप पश्चाताप करते हो, परमेश्वर के क्रोध की वजह से नहीं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। चौथी बात, उद्धार। यही सही मार्ग है उद्धार का, पहला क्रूस के ऊपर अपने नजरें डालो, उसके ऊपर विश्वास करो, और यह विश्वास किसके ऊपर निर्भर है? परमेश्वर के प्रेम के ऊपर निर्भर है, और यही आपका मार्ग है उद्धार के लिए। यीशु मसीह ने सरल पॉइंट में निकोडिमस को कहा, निकोडिमस ये तुम्हारा सलूशन है, ये तुम्हारा उत्तर है, तुम्हारे जीवन में जो कुछ उलझन है इससे सुलझाई जाएगी। सिंपल, सरल, क्रूस के ऊपर अपनी नजरें डालो, यीशु मसीह के पुत्र के ऊपर विश्वास करो कि उसने सारे काम किया, आपको नहीं करना पड़ेगा। यह परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है और इसी से आपका उद्धार होता है, इसी से आपका। सिंपल, समझ में आया ना? अविश्वास और विश्राम, सब लोग बोलो, पढ़ो जोर से, फिर से। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब लोग क्यों हंस रहे? ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, देखो ना, ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, गौर से देखो। अविश्वास और विश्वास, फिर से बोलो सब लोग, अविश्वास पढ़ो जोर से, सब लोग पढ़ो, अविश्वास में अविश्वास के कारण विश्राम में प्रवेश न कर सके। इब्रानियों में 3:18-19 में लिखा है, मतलब इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला ताकि वो अपने वादे के देश में प्रवेश कर सके, पर वो लोग वादे के देश में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि वो अविश्वास रख रहे थे, और विश्वास के कारण वो सब लोग रेगिस्तान में मर गए और विश्राम के देश में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। सबने सुना? Yes. फिर से बोलो, वापस से बोलो, बोलो। हाँ, क्या बोला था आपने? इसराइलियों को, गौर से सुनो अभी, इसराइलियों को मिस्र देश से निकाला, वो कष्ट के देश से निकाला ताकि विश्राम के देश में वो लोग जाए जहां पर मधु और दूध बहता है, आराम के देश में उनको प्रवेश करना था, और बीच में रेगिस्तान था, पर वो लोग रेगिस्तान में ही मर गए। वो लोग अब वो विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि अविश्वास के कारण। तो अविश्वास क्या होता है? मुझे विश्राम करने को नहीं मिलता अगर मेरे जीवन में अविश्वास है। समझ के लो, आगे देखो क्या होता है। अगर मेरे पास विश्वास है तो विश्राम। यदि मैंने आपसे कहा आपको बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना है,
किसी का बर्थडे है समझो ओके। और मैंने कहा आप बेफिक्र रहो सब चीजें मैं कर दूंगा, आप बेफिक्र रहो सब चीजें मैं कर दूंगा ओके। आप घर पे ही रहो पूरा डेकोरेशन वगैरह मैं कर दूंगा। यदि उस दिन पे आप आए यहाँ पर मुझे सहायता देने के लिए मैं क्या बोलूंगा, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैंने कहा था कि सब कुछ संभालूंगा ना डेकोरेशन मैं कर दूंगा ना, आप क्यों आए यहाँ पर, आप घर पे